वेलकम टू बैक माई लिटिल फोटोशॉप चैनल। माई नेम एहसन एजाज। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि बैकग्राउंड को कैसे चेंज किया जाता है, एक इमेज को कट करके दूसरी इमेज के ऊपर कैसे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक इमेज ओपन कर लेते हैं जिसकी हमें कटिंग करनी है। ये एक मॉडल की हमारे पास पिक्चर है जो येलो बैकग्राउंड है, इससे अलहदा करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी साइज का एक और डॉक्यूमेंट इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हम फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से प्लेस एम्बेडेड एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करते हैं। पिक्चर है हमारे पास, इसको प्लेस करके इसी पिक्चर के ऊपर ओपन कर लेते हैं। एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे ओके हो जाएगा। जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उसको हम ऊपर कर लेते हैं, हमें क्योंकि हमें वो नीचे से नीचे रह रही है तो वो छुप रही है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। ये हमारे पास जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उसके ऊपर लॉक आ रहा है, तो इसको लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी लेयर नॉर्मलाइज में हो जाएगी। इसको हम मूव कर सकेंगे यहाँ से, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल, कोई भी टूल अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन के लिए, तो उस ऊपर मेन्यू बार में हमारे पास ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट एंड मास्क, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक अलग से पैनल इसका ओपन हो जाएगा। फर्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है व्यू के, हमें किस व्यू में इसको देखना है, अनियन स्क्रीन में देखना है या ओवरले में देखना है, ऑन ब्लैक में देखना है या ऑन वाइट में देखना है, ब्लैक एंड वाइट में देखना है, ऑन लेयर इसमें देखना है। अनियन स्क्रीन में बेस्ट रहता है क्योंकि इसी में हम इसको ओके रहने देते हैं। और नीचे ये ट्रांसपेरेंसी आ रही है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी इस टाइम 100% है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम कम करते जाएंगे तो जो इसके इस लेयर के नीचे जो लेयर है वो हमें विजिबल होना शुरू हो जाएगी, तो इसकी हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम कर लेते हैं। इतनी हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि हमारी जो मॉडल है वो हमें नज़र आ रही है, उसकी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये हमारे पास उन्होंने क्विक सिलेक्शन टूल दिया हुआ है, ये हमारा क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो गया, तो इसको इस मॉडल के ऊपर हम ड्रॉ करते जाएंगे। इस एरिया पे हम अपना ये ड्रॉ करते जाएंगे, उस एरिया की वो हमें सिलेक्शन बना के दे दें। अगर हम बाहर वाली साइड पे भी इसको ड्रॉ करेंगे तो वो बाहर वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर ही, सिलेक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया भी, इसके ऊपर भी हम क्विक सिलेक्शन को ड्रॉ करते हैं तो देखें वो वाला एरिया भी, आर्ट का बटन प्रेस करेंगे और जो एरिया मिलना चाहिए उसके ऊपर हम ड्रैग करेंगे तो वो एरिया हमारा अंदर उस सिलेक्शन के अंदर से डिलीट हो जाएगा। दोबारा हम अपने मॉडल वाले लेयर पे आ जाते हैं, जो हमारा बाकी एरिया रह गया उसके ऊपर भी हम इसी तरह क्विक सिलेक्शन टूल को ड्रॉ करते जाएंगे तो वो उस एरिया की भी सिलेक्शन करता जाएगा, उसको ऐड करता जाएगा, सिलेक्शन पावर उसके अंदर ऐड हो जाएगा, उसको हम आर्ट के जरिए कर सकते हैं। इसकी यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ा देंगे 100% कर देंगे, तो सिर्फ ये जितना जितने हिस्से हमने क्विक सिलेक्शन को ड्रॉ किया होगा सिर्फ उतना हिस्सा हमारे पास विजिबल रहेगा, बाकी बैकग्राउंड के अंदर से वो चले जाएगा। तो देखें सिर्फ इतना हिस्सा, सिर्फ मॉडल वाला, पहले इसके ऊपर मॉडल नहीं थी आ रही इस लेयर के ऊपर, अब सिर्फ मॉडल भी आ रही है इस लेयर के ऊपर। इसके नीचे टूल है रिफाइन एज टूल है, रिफाइन एज टूल इसलिए काम करता है कि जो बालों कटिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर नीचे से एजेस वगैरह रह जाते हैं, तो ये एजेस के ऊपर ड्रॉ करने के लिए होता है। रिफाइनर टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रश टूल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बालों के जो किनारे हैं उन किनारों के ऊपर इसको स्लो स्लो फेरते जाएंगे, जो इसके नीचे से जो कलर होगा यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मैनुअली मैनुअली इसको रिमूव कर देंगे। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। रेडियस है, रेडियस की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ से। यहाँ से व्यू तो है, व्यू को हम कर लेते हैं ब्लैक एंड वाइट। दोबारा हम इसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर इसके अंदर आ रही है स्मूथ, जो हमारी सिलेक्शन होगी वो एजिज वगैरह से स्मूथ हो जाएगी, इस टाइम वो एजिज वगैरह का हार्ड एजिज शो हो रही है तो उसको हम स्मूथ कर सकते हैं, इसको वैल्यू को बढ़ा देंगे यहाँ से स्मूथ हो जाएंगे। फैदर की वैल्यू को भी हम बढ़ा देंगे यहाँ से, इसको ब्लेंड कर देंगे यहाँ से, एजिज वगैरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट एजिज आ रहे हैं, इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ से कम कर देंगे। नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है क्लियर सिलेक्शन की, कि अगर सिलेक्शन जो हमने की हुई है वो सिलेक्शन हमारी डिसलेक्ट हो जाएगी। इन्वर्ट आ रही है, इन्वर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारी इस टाइम सिलेक्शन मॉडल की है, अगर इन्वर्ट कर दूंगा तो हमारी सिलेक्शन जो पीछे जो येलो कलर का बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो जाएगा, मॉडल हमारी कैंसिल हो जाएगी। आउटपुट हमें नजर आ रहा है कि हमें आउटपुट का किस में चाहिए, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। हमारी मॉडल की सिलेक्शन हो गई है, यहाँ से हम
ऐड अ लेयर मास्क कर सकते हैं। उतना ही था हमारे पास है जितने सही हमने सिलेक्शन की थी, बाकी हिस्सा छुपा दिया, उसके ऊपर ब्लैक कलर फिल करके उसको छुपा दिया। जैसे सिलेक्ट एंड मास्क के जरिए हम इजीली किसी भी चीज़ का किसी भी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। वाली जो लेयर है उसके ऊपर हम कर्व की एक एडजस्टमेंट लेयर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं, क्योंकि जो भी इफेक्ट होगा वो हमारी इसी मॉडल लेयर के अंदर आएगा। यहाँ तो यहाँ से डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, साइड में जो रिफ्रंट वाले एरिया है वहाँ पे डार्क एरिया होगा। यहाँ से एक और कर्व एडजस्टमेंट ले लेते हैं, हमारी जो बैकग्राउंड लेयर है उसके अंदर ग्रीन कलर ज़्यादा है। Thank you.